गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पहले हम लोग स्टार्ट किए तो क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कैसे वो डिपेंड होता, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या था, सबसे पहले हम लोग जो था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे उसमें भी दो हमारे थे, पहला क्या था तो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या था यूटिलिटी था, और यूटिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिस तरह को बोले हम कैसे मेंटेन करते हैं कोई भी चीज को, कंप्यूटर पे कोई भी टास्क को ये कैसे करते हैं। सबसे पहला जिस तरह एग्जांपल में हम दे सकते हैं एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। अब देखिए एंटीवायरस से अपन लोग वायरस समझते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है कि कुछ वायरसेस होते हैं ऐसा जो क्या करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करता है, वहां डाटा को क्या करता है और फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे देखिए बताते हैं वायरसेस आर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय डाटा एंड फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। नॉर्टन मैकैफे एंड क्विक हीलर मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए वायरस क्या करता है कि जो भी डाटा होते हैं हमारे फाइल्स होते हैं वो कंप्यूटर पे, ये भी एक तरह क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये क्या है हम लोग के लिए गलत है। ये कंप्यूटर में वायरस अगर हम लोग आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे डाटा को फाइल्स को क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो एंटीवायरस मतलब क्या है उसको इसका उसका है ना अपोज करता है, वायरस का अपोज कौन करता है एंटीवायरस करता है। तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है वायरसेस को कंप्यूटर से रिमूव करता है, डिटेक्ट मतलब पता लगाता है, और वायरस को क्या करता है कंप्यूटर से रिमूव कर देता है। कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं बहुत ब्रांडेड है सब, नॉर्टन है, मैकैफे है, क्विक हीलर है, सब क्या है सारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या होता है कुछ चार्जेबल होता है, हम लोग है ना ये पैकेज आता है इतने इतने साल का आप डलवा सकते हैं कंप्यूटर में, इसे क्या होता है कंप्यूटर भी हम लोग फ्रीली रन करेगा, जो भी होगा जो भी हम सिस्टम होगा क्या होगा फ्रीली रन करता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, द वर्ड बैकअप मींस अ रिजर्व और सब्स्टिट्यूट, बैकअप मतलब क्या होता है रिजर्व या सब्स्टिट्यूट। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कीप्स डुप्लीकेट कॉपी ऑफ आवर फाइल्स इन एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। देखिए बैकअप का ऐसा मतलब कैसे क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट गेम होता है तो क्या होता है कि जब भी टीम सिलेक्शन होता है तो 11 प्लेयर ही खेलते हैं क्रिकेट में, लेकिन एक एक टीम के तौर से, लेकिन क्या होता है कि लगभग 15 का ही सिलेक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब देखिए 15 सिलेक्शन क्यों होता है, बाकी जो चार होते हैं वो बैकअप के रूप में ले जाया जाता है कि अगर सपोज एट द टाइम कोई इंजर्ड हो जाता है तो क्या दूसरे को उसकी जगह पे खिलाया जा सके, इसलिए क्या किया जाता है बैकअप प्लान तैयार करके रखा जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या रहता है बैकअप होता है, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हम लोग कोई भी जो फाइल है या डाटा है उसे क्या होता है डुप्लीकेट कॉपी या फाइल रखता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ से अगर वो चला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बैकअप करके फिर से हम लोग ला सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है टूटना, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है टूटना, यहाँ पे क्या है डिफ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हो उसे उल्टा है जुटना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स व्हेन ए फाइल इज ब्रोकन अप इनटू पीसेस व्हाइल इट गेट सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जब हार्ड डिस्क पे कोई फाइल सेव होता है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है मतलब टूटना शुरू हो जाता है उस फाइल, वो फाइल टूटना शुरू हो जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज लाइक ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ आवर कंप्यूटर। ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या हम लोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है कंप्यूटर का, इट पिक्स अप ऑल ऑफ द पीसेस ऑफ फाइल दैट आर स्प्रेड अक्रॉस आवर हार्ड ड्राइव। ये क्या करता है जो सारे फाइल जो है ना हमारे हार्ड ड्राइव में जो इधर उधर फैल गए हैं उन सबको पिक करके और एक जगह एक स्थान पे क्या करता है वो ला देता है। तो ये क्या है जैसे ये सब छोटे मोटे क्या था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स थे जो हम लोग कंप्यूटर क्या करता है बेसिकली मेंटेन करता है और अच्छे से रखता है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।